टाइप ऑफ कंबसन, टाइप ऑफ कंबसन स्टडी करने से पहले हम लोग यह डिस्कशन कर ले कि यह क्लास 8 का चैप्टर 6 दैट इज कंबसन एंड फ्लेम का सेकंड पार्ट है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे वॉच कर लीजिए। इसमें हम लोग कंबसन के टाइप से स्टडी करना करेंगे। टाइप ऑफ कंबसन में कौन कंबसन हुआ, रैपिड कंबसन हो गया और स्पॉन्टेनियस कंबसन हो गया। रैपिड कंबसन को देखने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे कि रैपिड कंबसन किसे कहते हैं। इस ये एक्टिविटी जो है आप लोग को स्वयं नहीं करना है बल्कि अपने पेरेंट्स की मदद से करना है। इसमें क्या करना है, इसमें किचन में जाना है एंड गैस स्टोव के पास एक जलता हुआ मैच स्टिक या लाइटर लेकर जाना है गैस स्टोव के पास, और फिर जो है गैस स्टोव का नोब को जो और टर्न ऑन कर देना है, खोल देना है। तो आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखिए कि गैस स्टोव जो है बहुत तेज़ी के साथ जलता है, ओके, बहुत तेज़ी के साथ जलता है एंड हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। इस तरह के कंबसन को हम लोग रैपिड कंबसन कहेंगे। अभी हम लोगों ने रैपिड कंबसन का एग्जांपल देखा, इसी तरह पेट्रोल भी जो है रैपिड कंबसन का एग्जांपल है, केरोसिन भी रैपिड कंबसन का एग्जांपल है। वही दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस जो है लाइक फास्फोरस जो है वह रूम टेम्परेचर पे जलने लगता है। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था ना कि फास्फोरस जो है बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, ये ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत जलने लगता है रूम टेम्परेचर पे, इसलिए फास्फोरस को हम लोग वाटर में स्टोर करते हैं, वाटर के में स्टोर करते हैं, रखते हैं। तो फास्फोरस जो है बिना किसी कॉज कमी से, बिना इसे जलाए हुए अपने आप ही रूम टेम्परेचर पे जलने लगता है। यह किसका एग्जाम्पल, यह स्पॉन्टेनियस कंबसन का एग्जाम्पल है, ओके। तो इस स्पॉन्टेनियस कंबसन को हम लोग क्या कहेंगे, द टाइप ऑफ कंबसन इन विच अ मटेरियल सडनली बर्स्ट्स इनटू फ्लेम्स विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपेरेंट कॉज। ऐसा कंबसन जिसमें मटेरियल जो हो अचानक से फ्लेम में लौ के साथ, मीन्स ज्वाला के साथ जलने लगे बिना किसी बाहरी कारण के, ठीक है, प्रत्यक्ष कोई कारण नहीं है यहाँ पे, फिर भी वो जलने लगा है, अचानक से जलने लगा है लौ के साथ। इस तरह के कंबशन को हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबशन। फास्फोरस जो है जिस तरह से रूम टेम्परेचर फास्फोरस जलने लगता है वो स्पॉन्टेनियस कंबसन का एग्जाम्पल है। इसी तरह हम लोग देखते हैं जंगल में जो है सूखे घास जो है वो जलने लगते हैं, अचानक से जलने लगते हैं, हालांकि वह गर्म होकर बहुत हीट उन्हें मिलता है, सूरज के रोशनी से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, होकर जलने लगता है, लेकिन फिर भी वो जंगल का आग जो है वो स्पॉन्टेनियस कंबसन का एग्जाम्पल है। इसी तरह कोल माइंस में, कोयले के खान में क्या होता है, अचानक से आग लग जाता है, ये भी स्पॉन्टेनियस कंबसन का एग्जाम्पल है, ओके। कभी कभी तो कोल डस्ट के कारण कोल माइंस में कोयले के खान में जो आग लगता है वो बहुत भयानक होता है, ओके, वो बहुत ज़्यादा हानि करता है, बहुत ज़्यादा लॉस करता है, ये स्पॉन्टेनियस कंबसन का एग्जाम्पल है। जंगल में जो आग है, जंगल में आग जो है वो हम लोग जानते हैं कि सन के हीट से लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है जिसके कारण सूखे घास जो होते हैं जल उठते हैं। लाइटनिंग के द्वारा भी आग लगता है जंगल में, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स के केयरलेसनेस के कारण भी आग लगता है, ज़्यादातर तो यही कॉज होता है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स बहुत केयरलेसनेस रहते हैं, बहुत लापरवाह रहते हैं, जिसके कारण भी आग लगने का खतरा रहता है। वो क्या करते हैं, जब पिकनिक मनाने जाते हैं जंगल में या विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं या पिकनिक मनाने जाते हैं तो कैंप फायर लगाते हैं, ठीक है, कैंप फायर लगाते हैं, मीन्स मीटिंग करने के लिए, अपने दोस्तों के साथ मीटिंग करने के लिए, खाना बनाने के लिए जो कैंप फायर लगता है, वो कैंप फायर को वो जब पिकनिक ख़त्म हो जाता है तो वो बंद नहीं करते हैं, बुझाते नहीं, उसे छोड़ देते हैं, जिसके कारण आग जंगल में फैल जाता है, ओके। तो अभी हम लोगों ने दो तरह का कंबशन देखा, डेट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड रैपिड कंबशन, ओके। हम लोग फेस्टिवल में क्या करते हैं, आतिशबाजियां करते हैं। इन आतिशबाजी में क्रैकर्स जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, पटाखे जब जलते हैं तो बहुत सारा हीट, लाइट एंड साउंड प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारा गैस भी फॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजन, डेट इज विस्फोट।
ये विस्फोट, ये एक्सप्लोजन सिर्फ पटाखे जलाने पे नहीं होता है, बल्कि पटाखे पे दाब पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तब भी वो विस्फोट हो जाएंगे, वो एक्सप्लोजन हो जाएगा उनमें। ओके, अब हम लोग फ्लेम को जानेंगे। फ्लेम को जानने के लिए हमें अपने घरों में जो एलपीजी गैस जलता है, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसके फ्लेम को नोटिस कीजिए, कैंडल को जलाकर उसके फ्लेम को नोटिस कीजिए, एंड जो सेवन्थ क्लास में आप लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न किए थे, जलाए थे, उसके फ्लेम को याद कीजिए। अगर नहीं किए हैं ये सारे वर्क तो बड़ों के प्रेजेंस में केयरफुल रहते हुए इस सारे मटेरियल को जलाइए, और देखिए कितने सारे मटेरियल दिया हुआ है 6.2 में, इस सारे मटेरियल को जलाइए और देखिए कि कौन सा मटेरियल जो फ्लेम फॉर्म करता है और कौन सा फ्लेम नहीं फॉर्म करता है, और सबको रिकॉर्ड कीजिए। अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम को जानने के लिए एक्टिविटी करेंगे, दैट इज एक्टिविटी 6.5। ये बहुत केयरफुल रहते हुए करना है, हमें एक कैंडल को बर्न कर लेना है, और कैंडल को बर्न करने के बाद एक चार या पांच सेंटीमीटर लंबा ग्लास ट्यूब ले लेना है, ठीक है, कांच का एक नली ले लेना है जो कि 4 या 5 सेंटीमीटर लंबा हो, उसे चिमटे के साथ पकड़ना है, चिमटे से पकड़ कर उसे इस कैंडल के फ्लेम के पास लाना है। ये फ्लेम जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 3 जोन में डिवाइडेड होता है, हमें इस कांच के नली को फ्लेम के डार्क जोन में रखना है। ओके, दैट इज इनर मोस्ट जोन को डार्क जोन कहते हैं। यहाँ पे जो विक है, कैंडल का विक है, मोमबत्ती का जो ये क्या कहेंगे इसे, विक को क्या कहेंगे, बत्ती, सॉरी, मोमबत्ती का जो ये बत्ती है उसके पास रखेंगे इस कांच के नली को, कांच के नली का एक मुंह को, ठीक है, और दूसरे मुंह के पास एक जलता हुआ माचिस का तीली लाएंगे। तो हम देखते हैं कि ये कांच के नली के दूसरे मुंह के पास एक लौ के साथ आग लग जाता है, एक ज्वाला के साथ आग लग जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? वही दूसरी ओर देखते हैं कि ये मोमबत्ती, मीन्स ये मोमबत्ती का जो वैक्स है, मोम जो है वो गर्म हो रहा है और पिघल रहा है, ऐसा क्यों होता है? आइए हम लोग जानें। द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ओके, वह पदार्थ जो कि गर्म होने पर वाष्पित होता है, वेपोराइज होता है, वो फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि केरोसिन ऑयल। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर जो कैंडल है उसका वैक्स जो है, उसका मोम जो है वो पिघल रहा है और वाष्पित हो रहा है। ये वाष्पित होकर इस कांच के नली के मुंह से दूसरे मुंह के पास पहुंच रहा है। जब दूसरे मुंह के पास पहुंच रहा है, ये वेपराइज होकर, पिघल कर, वाष्पित होकर, तो दूसरे मुंह के पास माचिस, जलता हुआ माचिस का तिल्ली है। इस माचिस के तिल्ली, जलते हुए माचिस के तिल्ली से वह जल उठता है, लौ के साथ, ज्वाला के साथ जल उठता है। ओके, वही दूसरी ओर हम लोगों ने ये देखा कि चारकोल जो है वो वेपोराइज नहीं होता है, इसलिए वो फ्लेम नहीं प्रोड्यूस करेगा। इस सारे बेसिस पे हम लोग ये जो टेबल है, डेट इस टेबल 6.2, हम लोग कह सकते हैं कि कैंडल जो है वो वेपोराइज होता है, इसलिए वो फ्लेम फॉर्म करेगा। मैग्नीशियम वेपोराइज होता है, फ्लेम फॉर्म करेगा। कैम्फर, कैम्फर मीन्स क्या, वो कपूर, ये भी वेपोराइज करेगा, ये फ्लेम फॉर्म करेगा। केरोसिन स्टोव से केरोसिन वेपोराइज करेगा, फ्लेम फॉर्म करेगा। चारकोल भी, चारकोल नहीं फ्लेम फॉर्म करेगा, क्योंकि चारकोल वेपोराइज नहीं होता है। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को ये पढ़ना है क्या करना है। बोला गया है यहाँ पे कि जब कैंडल का जो फ्लेम हो, जब शांत हो, बिल्कुल स्टेडी हो, शांत हो, तो हमें क्या करना है, वहां पे लाना है ग्लास प्लेट, कांच का एक प्लेट लाना है या स्लाइड लाना है, एंड उसके ल्यूमिनस जोन पे रखना है। आइए जोन को पहले हम लोग समझ ले, इस एक्टिविटी करने से पहले। यहाँ पर देखिए डिफरेंट जोन ऑफ कैंडल फ्लेम, हम लोग पहले जोन को समझ ले, फिर उस एक्टिविटी को समझेंगे। यहाँ पे कैंडल जला हुआ है, जो फ्लेम फॉर्म है, ये फ्लेम को हम लोग 3 जोन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, 3 जोन होता है, दैट इज इनर मोस्ट जोन है ना, इनर मोस्ट जोन जो कि सबसे कम गर्म होता है, लिस्ट हॉट होता है। ओके, इसे हम लोग ब्लैक जोन भी कहते हैं। आइए हम लोग पहले समझ लें इसे। यहाँ पर जो है विक के पास, बत्ती के पास कैंडल का, इसे हम लोग कहते हैं इनर मोस्ट जोन, दैट इज डार्क जोन। ओके, That is dark zone. वही दूसरी ओर
यहाँ पर उसके बाद वाला पार्ट, ये येलो वाला, उसे हम लोग कहेंगे मिडिल जोन, दैट इज ल्यूमिनस जोन। ओके, एंड द आउटर मोस्ट जोन, ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं ना, ये आउटर मोस्ट जोन जो है उसे हम लोग कहेंगे नॉन ल्यूमिनस जोन। ओके, ये जो वीक के पास, बत्ती के पास, ये डार्क जोन है, ये इनर मोस्ट जोन होता है, उसके बाद वाला मिडिल जोन होता है, ठीक है, जिस जो ल्यूमिनस जोन है जिसे हम लोग कहेंगे, एंड आउटर मोस्ट जोन को हम लोग कहेंगे नॉन ल्यूमिनस जोन। सबसे इनर मोस्ट जो होता है वह होता है सबसे कम गर्म, उसके बाद जो मिडिल जोन होता है वह उससे ज्यादा गर्म होता है, एंड सबसे ज्यादा बाहर वाला आउटर मोस्ट जोन जो होता है जिसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, वह सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में बोला गया है कि आप एक जला हुआ कैंडल लाइए, और जब उसका फ्लेम स्टेडी हो, शांत हो, तब एक कांच का प्लेट उसके ऊपर रखिए, उसके ल्यूमिनस जोन पे, मीन्स मिडिल जोन पे रखिए। तो आप क्या देखिएगा, कुछ देर बाद देखिएगा कि उस कांच पे जो है एक गोलाकार वलय, काला रंग का वलय फॉर्म हुआ है, ठीक है, ए सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इज फॉर्म। आखिर ऐसा क्यों है, सर्कुलर ब्लैकिश रिंग क्यों फॉर्म हुआ है उस प्लेट पे? ये इसलिए फॉर्म हुआ है कि ये हमें बतला रहा है कि जो ल्यूमिनस जोन पे है, ल्यूमिनस जोन पे जो है कार्बन का बिना जला हुआ पार्टिकल्स मौजूद है। ओके, इसलिए ये जो गोलाकार वलय के रूप में फॉर्म हुआ इस प्लेट पे, ये बता रहा है कि ल्यूमिनस पार्ट में बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल्स मौजूद है, जो कि ये गोलाकार वलय बना दिया है उसके ऊपर। ओके, इसलिए गोलाकार वलय फॉर्म हुआ है। ओके, अभी एक्टिविटीज में हम लोग ने देखा 10 सेकंड तक कांच के ग्लास को रखेंगे तो उसके ऊपर गोलाकार वलय फॉर्म हुआ है, जो कि हमें बता रहा है कि ल्यूमिनस जोन में बिना जला हुआ कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट है। वही दूसरी ओर हमें ये भी करना है, दूसरी ओर एक काम ये करना है कि एक पतला तांबे का तार, दैट इज कॉपर वायर, को लाना है इसके नॉन ल्यूमिनस जोन पे, मीन्स आउटर मोस्ट जोन पे। एक पतले तांबे के तार को इसके नॉन ल्यूमिनस पार्ट के पास लाना है, मीन्स आउटर मोस्ट जोन पे लाना है, तो हम देखेंगे कि ये बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है, ठीक है, रेडिश कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर में ये चेंज हो जाता है, जो कि जलने के बाद ऑब्वियसली कोई भी सब्सटेंस चेंज हो जाता है रेडिश हॉट कलर में। ओके, रेडिश हॉट कलर में चेंज हो जाएगा, मीन्स ये बताता है हमें दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन, दैट इज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम हैज अ हाई टेम्परेचर। ओके, ये सबसे बाहरी पार्ट पे, मीन्स आउटर मोस्ट जोन में, जिसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं, वो जो होता है सबसे गर्म होता है, एंड मिडिल जोन जो होता है उससे कम गर्म होता है, एंड लीस्ट जोन जो होता है वो डार्क जोन, डेट इज इनर मोस्ट जोन होता है। ओके, अब देखिए गोल्ड स्मिथ जो है, सुनार जो है, वो क्या करता है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए ये फ्लेम का जो आउटर मोस्ट जोन को हमेशा फूंकता है, और वो चाहता है कि आउटर मोस्ट जोन से यूज करे। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि आउटर मोस्ट जोन, फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन ही सबसे ज्यादा गर्म होता है, डेट इज नॉन ल्यूमिनस पार्ट जो होता है सबसे ज्यादा गर्म होता है। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर।